नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। नफ्ताली बेनेट ने इसराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामनी पार्टी की 49 साल के नेता और पूर्व कमांडर रहे बेनेट ने 13 जून को शपथ ली। नफ्ताली बेनेट ने साल 2005 में अपना टेक स्टार्टअप 14.5 करोड़ डॉलर में बेचने के बाद राजनीति में एंट्री ली थी। इससे पहले इसराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 79 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा। बता दें, नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इनमें दक्षिणपंथी वाम मध्यवर्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी है। यश इत्यादि पार्टी के मिकी लेवी को संसद का स्पीकर चुना गया है। उनके पक्ष में 67 सदस्यों ने मतदान किया। वहीं इससे पहले बेनेट ने संसद में संबोधन के दौरान अपनी सरकार के मंत्रियों के नामों की घोषणा की। इस दौरान 71 साल के नेतन्याहू के समर्थकों ने बाधा भी डाली। प्रतिद्वंदी पार्टी के सांसदों के शोर शराबे के बीच बेनेट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो अलग अलग विचार वाले लोगों के साथ काम करेंगे। बेनेट ने कहा, इस निर्णायक समय में हम ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनका फिलिस्तीनियों को लेकर क्या रुख रहने वाला है, तो बता दें कि उन्हें फिलिस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि इन चरमपंथियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें, इसराइल के नए प्रधानमंत्री काफ़ी पैसे वाले शख्स हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके माता पिता इसराइल के नहीं बल्कि अमेरिका के हैं, जो इसराइल में आकर बस गए थे। नफ्ताली बेनेट ने बाद में अपनी पहचान एक राजनेता के तौर पर बनाने लगे। उनकी पहचान एक घोर दक्षिणपंथी राजनेता के तौर पर होती है। वो हमेशा से वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करने के पक्ष में रहे हैं। नफ्ताली के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो पहले नेतन्याहू के साथ ही सरकार में थे। बेनेट ने नेतन्याहू के लिए 2006 और 2008 के बीच एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया। बाद में उनके आपसी रिश्ते खराब हो गए और उन्होंने लिकुड पार्टी को छोड़ दिया। बेनेट ने दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद 2013 में बेनेट ने इसके प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंचे। इस खबर फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।